Hello students, welcome in biology classes by Yogesh Kaushik. And in this video we will discuss about the 10th class topic of chemistry, nomenclature of hydrocarbon. Last lecture mein humne discuss kiya tha nomenclature of alkane, and in this video we will discuss about the nomenclature of alkyne and alkene. So first of all we discuss about the alkene. इसके बारे में डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में. तो व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन हैज डबल बॉन्ड बिटवीन देम. कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा. किसके अंदर होगा? एल्कीन के अंदर. किस में होगा? एल्कीन के अंदर. ओके सो अब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की. तो पहला मेंबर, या इससे पहले हम जानते हैं कि जो एल्कीन है इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. मतलब कि n इज द नंबर ऑफ एटम. कार्बन अगर आपके पास दो हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 × 2 = C2H4. और सिंपल शब्दों में कहें तो जितने कार्बन होंगे उससे डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे. उससे डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे. तो पहला मेंबर होगा हमारा कितने मेंबर का? एल्कीन का दो मेंबर का, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम. कार्बन दो कार्बन हमने ले लिए. कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अब हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हर हाइड्रोजन के पास. ईच हाइड्रोजन हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये हमने किसके इलेक्ट्रॉन बना दिए? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन. किसके इलेक्ट्रॉन बना दिए? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन. अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं. कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 1 2 3 4. ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, इधर इस कार्बन के 1 2 3 4. तो देखिए हर एलिमेंट क्या चाहता है? उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. फर्स्ट 5 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वांट्स टू कंप्लीट द डुप्लेट एंड वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट. ये डुप्लेट पूरा हुआ, हाइड्रोजन का क्या हो गया है? डुप्लेट कंप्लीट हो गया है. अब बचा कौन? कार्बन. कार्बन क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट. कार्बन क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट. मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. देखिए इस रेड सर्कल के अंदर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8. कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. इस ब्लू सर्कल के अंदर कार्बन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मीन्स बोथ कार्बन हैविंग कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. लेकिन कैसे हुआ? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. इसलिए कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड. कार्बन ने हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? सिंगल इलेक्ट्रॉन. इसलिए उनके पास क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब इसकी नेमिंग की बात करते हैं, IUPAC नेमिंग. और ऐसे ही आपने जितने भी आगे और इसके नेक्स्ट मेंबर आएंगे उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाकर देखना है. और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम आपको पूछ सकते हैं. तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखिए इसी बेस पर देखना है. ALK पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ALK क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन. तो इसमें कितने कार्बन है? 2 के लिए क्या यूज करते हैं? इथ. क्या वर्ड यूज करते हैं? इथ. एंड डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स होगा हमारा? ईन. IUPAC नेम क्या हो गया हमारा?
इथेन, क्या हो गया इथेन। नेक्स्ट मेंबर देखते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन, 3, 3 के लिए प्रॉप, क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रॉप, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, इन, क्या नाम बन गया, प्रोपेन। नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर ऐसे ही CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, टोटल कितने कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूट, और के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा, इन, क्या नाम बन गया इसका, ब्यूटीन। इन नाम को, इन सारे नेम्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका अल्टरनेटिव यू कैन से द बेस्ट या एक्यूरेट नेमिंग क्या होगी, ब्यूट, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ से किस लिए की, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे हम, डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक आ रहा है तो क्या नेमिंग होगी, ब्यूट 1-ईन, ब्यूट 1-ईन, बोथ नेम आर करेक्ट, यू कैन डू एनी वन ऑफ दैट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट मेंबर और बनाते हैं इसका CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन, 5, 5 के लिए पेंट, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, पेंट 1-ईन। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से, किसी का भी आपसे IUPAC नेम पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और NTSC में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, तो क्या होगा, इथेन। या ये पूछ सकते हैं कि एल्कीन के जो पहला मेंबर है उसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। और अब आगे हम डिस्कस करते हैं एल्काइन, क्या डिस्कस करेंगे, एल्काइन। देखिए दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। तो पहला मेंबर देखते हैं एल्कीन का भी, एल्काइन का सॉरी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका इलेक्ट्रॉनिक डोज स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन कार्बन, एक एक हाइड्रोजन इनके पास, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन के पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और यहाँ से कार्बन का, इधर से इस कार्बन का क्या हुआ, डुप्लेट कंप्लीट हुआ, तो क्या स्ट्रक्चर बन गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है किसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, अब वही अपना पुराना पैटर्न, AL के आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, 2 के लिए इट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, YNE, क्या नाम बन गया, इथाइन। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और सिंपल से ट्रिक के बारे में बात करें तो जितने कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम, जितने कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम, वो क्या होगा आपका, एल्काइन होगा। कितने कार्बन, 2, 2 का डबल कितना, 4, 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितने हाइड्रोजन आ गए, 2 आ गए आपके पास। नेक्स्ट मेंबर देखते हैं इसका CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन, 3, 3 का डबल, 3 का डबल क्या होगा, 6, 6 में से 2 माइनस कर दो, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4, तो 3 and 1, 4, IUPAC नेम क्या होगा इसका, कितने कार्बन, 3, 1, 2, 3, यहाँ से नंबरिंग होगी, क्यों, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा, YNE, क्या नाम हो गया, प्रोपाइन। नेक्स्ट मेंबर CH3, CH2, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, नेक्स्ट मेंबर क्या होगा आपका, ये हो गया इसका IUPAC नेम, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग हो गई,
फोर कार्बन के लिए ब्यूट वन आई वन क्यों लगाया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड किसने नंबर कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पर, यहाँ भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट मेंबर CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH1, 2, 3, 4, 5 पैंट वन आई पैंट वन आई। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और नए रूल्स के अकॉर्डिंग CBSE ने इस चैप्टर से लगभग सिलेबस आपका डिलीट कर दिया है। द ओनली टॉपिक रिमेनिंग दैट इज आइसोमेरिज्म, एंड दैट आइसोमेरिज्म वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू।